हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. इन टुडेज टू मिनट सीरीज हम देखेंगे अपनी तीसरी फाइनेंशियल कमिटी को, विच इज़ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. अगर आपने बाकी दोनों कमिटीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके उन्हें भी अपने हमारी टू मिनट सीरीज की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बिकॉज ऑल दीज कमिटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग इन माइंड योर प्रीलिम्स 2020. अब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है, इसका जो प्रपोजल, इसका जो आइडिया था वो कब से चलता आ रहा था. पहली बार जो लंका सुंदरम है उन्होंने बोला कि देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड एस्टिमेट्स कमिटी जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स को वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती क्योंकि उनका बाकी सारा काम ही इतना ज़्यादा है, तो मे बी वी नीड अनदर कमिटी डेडिकेटेड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स. हाउएवर तब जो है इसको सीरियसली नहीं लिया गया. 1956 में अशोक मेहता ने फिर प्रपोज किया कि एक सेपरेट कमिटी की ज़रूरत है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए, बट तब अगेन फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि पैक इन एस्टिमेट्स कमिटी जो है ये काम कर लेंगी. 1957 तक गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, उन्होंने एक स्टैंडिंग सब कमिटी बना दी एस्टिमेट्स कमिटी की, जो कि डील करती थी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के साथ ही सिर्फ. 1958 में कांग्रेस ने फॉर्मुलेट की वी के कृष्ण मेनन कमिटी. ये कमिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस आगे रखे जिसके थ्रू उन्होंने, उनका होप थी कि रिकनसाइल कर लेगी जो अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स टू पार्लियामेंट, वेरस उनकी जो ऑटोनॉमी और उनकी इंडिपेंडेंस है उसको भी बना के रखा जा सके, कोई पॉलिटिकल प्रेशर या इंटरफेरेंस ना हो उनमें, ताकि वो एफिशिएंटली भी काम कर सके. 1963 में फाइनली तब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थे नित्यानंद कानून को, उन्होंने एक मोशन आगे रखी लोकसभा में जहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें एक सेपरेट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लेनी चाहिए ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. फिर इसके चलते हुए फाइनली द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स वॉज फॉर्म्ड विद इफेक्ट फ्रॉम May 1, 1964. सो तीनों में से सबसे लेट कौन सी आई है, ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. अब कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अंदर 22 मेंबर होंगे, 15 जो है लोकसभा से आते हैं हर साल और 7 आते हैं राज्यसभा से, ठीक है. और इनको चुना जाता है बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और कौन कौन से इलेक्शंस में यही वोटिंग प्रोसीजर यूज होता है नीचे कमेंट्स में लिखिए, देखते हैं आपको कितना याद है. चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर द्वारा. कोई भी मिनिस्टर जो है इस कमेटी के भी मेंबर नहीं हो सकते. अगर वो मेंबर है और उसके बाद उनको चुन लिया जाता है एज अ मिनिस्टर, तो जब से वो अपॉइंट किए गए हैं एज अ मिनिस्टर वो मेंबर नहीं रहेंगे ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. अब फंक्शंस क्या है इस कमिटी के, ये एग्जामिन करती हैं वेरियस रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जो कि स्पेसिफाइड है 4th शेड्यूल के अंडर ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा. ये एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स ऑफ कैग, अगर कोई भी ऐसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है रिपोर्ट भेजे जो कि डील करती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के साथ. साथ ही में एग्जामिन करते हैं इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एज वेल एज कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स. एंड अगर जो अफेयर्स है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के वो ढंग से ऑन साउंड बिजनेस रूल्स चलाए जा रहे हैं, क्या कमर्शियल प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रूडेंटली प्रैक्टिकली जो हैं अपनाई जा रहे हैं, ताकि ये जो है ढंग से काम भी कर सके, अपना जो जो एक एफिशिएंसी उनसे एक्सपेक्टेड है वो भी कर सके, साथ ही में एक जो हमारी कंट्री और उसकी जो वेलफेयरिस्ट एजेंडा है उसको भी फुलफिल कर सके. लास्टली ये एक्सरसाइज करते हैं कोई भी और ऐसे फंक्शंस जो कि वेस्ट किए गए थे पैक में या एस्टिमेट्स कमिटी में इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो कि नहीं क्लेवर होते हैं बाय द प्रीसीडिंग क्लॉजेस. तो इन तीन क्लॉजेस के अलावा अगर कोई भी ऐसा काम है, जैसे कि हमने देखा कि पहले पैक और एस्टिमेट्स कमिटी ये सारे काम करते थे, तो कोई भी और ऐसा काम जो पैक या एस्टिमेट्स कमिटी के पास है वो, और वो इन क्लॉजेस के अंडर नहीं आता विद रिगार्ड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स उसको परफॉर्म करेगी. साथ ही साथ में इसके अलावा और भी काम अलॉट किया जा सकता है स्पीकर द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी उनको लगे कि कुछ काम या किसी स्टडी या किसी भी चीज की जरूरत है विद रिगार्ड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टू मिनट्स टूडे. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.